हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एचडी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्थिव भाई। पार्थिव भाई, कैसे हो आप? फर्स्ट टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, एंड हाउ आर यू? ऑल गुड। कैन यू हियर आप मी? कैसे? हाँ, सब बढ़िया। मैं परफेक्ट यार। तो पहले तो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर। काफ़ी दिन से भाई लोग हमारे कह रहे थे यार कि पार्थिव भाई को चैनल पर लाया जाए, बातचीत करते हैं अबाउट फुटबॉल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। एंड यहाँ पे हम सब डिस्कस करने वाले हैं, आपके बारे में बेसिकली बातचीत करेंगे हम, थोड़ा सा आपके बारे में हम जानेंगे, एंड हम ऑल्सो ये भी जानेंगे कि आप कौन से फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हैं, आप फुटबॉल में बेसिकली आए कैसे। सो जस्ट ग्लिच हो रहा है। ओके, कैन यू हियर मी प्रॉपरली पार्थिव भाई? थोड़ा ग्लिच हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है परफेक्ट। सो पार्थिव भाई, हाउ डिड यू गॉट इनटू फुटबॉल, कुछ बताएंगे आप? हाउ डिड यू गॉट इनटू फुटबॉल, कैसा कल्चर है असम में दैट मेड यू गेट इनटू फुटबॉल? अभी मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया इधर ही मेरे गांव में, गोरगांव फुटबॉल कोचिंग सेंटर बोल के, जो मेरे पापा और उनके कॉलिग्स मिलके बनाए थे वो कोचिंग सेंटर। बेसिकली वो 2005 में चालू किया था पापा और उनके कॉलिग्स मिलके। फिर मैं भैया, पहले तो भैया जाते थे खेलने के लिए, फिर मैं तो छोटा था बहुत, तो उसके बाद मेरे को भी लेके जाते थे। वैसे ही बचपन से मैं उधर ही उधर से सीखना चालू किया थोड़े थोड़े करके, फिर भैया को देख देख के, फिर उधर फिर प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट किया। एज ऑफ 5 मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके सीखते गया। फिर उधर से मैं स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। स्टेट टीम में से खेलने के बाद मैं गया था बेंगलोर बेस्ड एकेडमी, ओजोन फुटबॉल एकेडमी। फिर उधर से मेरा थोड़ा प्रोफेशनल करियर थोड़ा स्टार्ट हुआ प्रोफेशनली, ओजोन फुटबॉल एकेडमी से। फिर उधर से मैं अंडर 15 आई लीग खेला, फिर उसके बाद अंडर 15 और अंडर 18 आई लीग खेला मैं उधर से। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ इंडिया टीम के लिए, फिर उधर से ही चलते आ रहे हैं वैसा भी। तो बेसिकली मेरा पहला है जो मेरे पापा का ड्रीम था बेसिकली, तो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो इसीलिए पापा ने मतलब चालू किया था ये कोचिंग सेंटर, फिर उधर से ही स्टार्ट हुआ सर। सो पापा आपके बहुत बड़े सपोर्ट रहे हैं आपको एक फुटबॉल में बनाने में, सबसे बड़ा हाथ आपके पिताजी का रहा है। आपके भाई भी फुटबॉल खेलते हैं जितना मुझे पता है? हाँ जी, हाँ जी। वो आई थिंक मिडफील्डर है आपके भाई? हाँ जी, हाँ जी। सो बचपन से ही अच्छा, सो बचपन से ही यू नो आप फुटबॉल में लग गए। अच्छा, वैसे असम का कल्चर है ही ऐसा कि बच्चा बड़ा होता है असम में, एंड वहाँ पे वो यू नो उसको फुटबॉल ही पहले मिलती है। तो आप कैसे असम का फुटबॉल कल्चर डिफाइन करोगे? हाउ वुड यू टॉक अबाउट द फुटबॉल कल्चर असम? इधर की बात करता हूँ मेरे गांव के बारे में। हाँ, अभी इधर मतलब हम लोग के एक गांव में, मतलब अभी पहले जितना मैंने सुना था ये गांव को मतलब बोला था कि ये गांव मतलब मिनी ब्राजील बोला करते थे इधर। फुटबॉल का कल्चर ऐसा 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 था मतलब इधर। आप हाँ। आपका गांव का नाम क्या है? आप अपने गांव का नाम भी बता दें, मुझे लगता है काफी लोग यहां पे आपके गांव से भी जुड़े होंगे। सो एक बार मेरा गांव का नाम है मतलब भुगबारी है, मतलब वो पुराने जमाने वाले लोग मतलब जानेंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा आ रहे फिर से अभी घर के लोग, बीच में मतलब कोरोना के टाइम बहुत बंद हो गए तो अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो मैं फुटबॉल स्टार्ट किया था, एक और है मतलब गढ़गांव बोल के, उधर से स्टार्ट किया था, गढ़गांव फुटबॉल कोचिंग सेंटर, उधर से स्टार्ट किया मैंने फुटबॉल। ठीक है, तो असम को बोल असम के उस पार्ट को जहाँ से आप फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए उसको कहते हैं मिनी ब्राजील, क्योंकि उधर फुटबॉल बहुत फेमस है। हाँ जी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो आप आपकी जर्नी काफ़ी काफ़ी बेहतरीन रही है, यू नो एक गांव से आना एंड पापा से ट्रेन होना, उनकी एकेडमी में खेलना एंड एवरी थिंग, अपने भाई से इंस्पायर होना एंड देन आई लीग में खेलना, एंड देन आई थिंक इंडियन एरोज में आपने आई लीग में खेला 2 साल, आई थिंक वहाँ पे आपने खेला, एंड देन उसके बाद से पार्थिव भाई आपने सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप भी जीती है, तो कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में शेयर करो। हाउ वाज इट, मतलब कैसा लगा सैफ, मतलब इंडिया के लिए अंडर 20 इंडियन नेशनल टीम के लिए आप ऑफिशियली एक बहुत ही मेजर टाइटल जीते हो, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उससे पहले मैं
था नहीं, मतलब अंडर 15 अंडर 16 उस सैफ कप अंडर 16 के बाद आया था मैं बेसिकली। तो वो लोग गए थे कहाँ, नेपाल में खेलने के लिए गए थे, उसके बाद मैं आया था अंडर 16 टीम में। तो उसके बाद अभी 2-3 साल के बाद फिर अंडर 20 हुआ, फिर इंडिया में ही हुआ भुवनेश्वर में। तो एक होम फैंस के सामने खेलने का बहुत मज़ा आया, मतलब वो तो अलग ही मज़ा होता है होम फैंस के साथ। अभी सीनियर टीम का भी आ रहा है कॉन्टिनेंटल कप और सेफ कप, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि एक ड्रीम होता है अपना कंट्री के लिए खेलने के लिए, तो वो बहुत बढ़िया रहा। क्या बात है, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे भाई लोग भी जुड़ चुके हैं, आपको काफ़ी सारा गुड लक और विशेस दे रहे हैं यहाँ से आसाम से, हमारे काफ़ी सारे हाँ आपके काफ़ी सारे फैंस हैं यहाँ पे एंड दे आर ओवर हेयर विशिंग यू। सो काफ़ी अच्छा मोमेंट अंडर 20 चैम्पियनशिप जीतना सैफ की एंड देन आपका वो स्टेप लेना टू ISL क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जी, लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक इंडिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लीग में खेलने का? आपका ये पहला साल है आई थिंक, एंड आपने 3 गोल भी मारे हैं इस साल, और आपके हाँ गोल्स जी, तो भाई साहब मतलब बैंगर्स मारे यार पार्थिव, मतलब केविन डे ब्रुने फेल भाई पहले तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, क्योंकि बचपन से देख के आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, बचपन से देख के आ रहे हैं। फिर एक हम लोग का इधर का सब बच्चे लोग का एक ड्रीम होता है अपने होम टीम के लिए खेलना, तो मैं वो ड्रीम अभी पूरा कर रहा हूँ, मतलब अभी उनके लिए खेल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी धीरे धीरे करके, अभी मतलब लास्ट सीजन थोड़ा खराब गया, अभी कोई बात नहीं, अभी ये सीजन हम लोग अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करेंगे। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली पार्थिव भाई, आपने आई थिंक चेन्नईयन के अगेंस्ट गोल मारा था और आई थिंक आपने ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट भी गोल मारा था लास्ट दो तीन फिक्चर्स में ISL के, मतलब हाँ जी वो आप छोड़ो लेकिन जो आपने पहला गोल मारा था अपने ISL क्लब के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, कैसी फीलिंग हाँ थी? जी बहुत बढ़िया भाई। मैं तो अपना मतलब गोल मारने के बाद सेलिब्रेशन करना होता है ना, मैं भूल गया था मैं ऐसे हाथ कर दिया बस। मैं उसके बाद मैं सोच रहा अभी करूँ क्या, मैं फिर मैं रुक गया अपने आप ऐसा यार हो गया था भाई। यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं ऑब्वियसली मैं आपके लेवल पे तो नहीं खेल पाया बट आई स्टिल वॉज एबल टू प्ले स्टेट एंड वहां पे एक दो गोल मैंने माने, उसके बाद वो जो फीलिंग आती हाँ है ना, जी मतलब भाई लाइक भाई क्या करना है, क्या करना है आपको समझ नहीं करना आता। आप क्या एक रात करना पहले भाई, सब फिर प्लान करते हो, आप प्लान करते हो उधर हम जब शू कर मोमेंट आता है देंगे। बोल जाते भाई सीरियसली सीरियसली सो पार्थिव भाई आप लाइक बचपन से फॉरवर्ड ही खेले हो या फिर आप पहले गोलकीपर थे, पहले आपको फिर टर्न किया गया फॉरवर्ड में? तो मैं मिडफील्डर रहा, पापा ने मिडफील्डर खिलाया करके, फिर ठीक उसके है, बाद ओजोन ओजोन गया, फिर उधर मिडफील्डर खेलने नहीं जा पाया, मतलब स्टेट लेवल तक तो मैं मिडफील्डर ही रहा। फिर उसके बाद मैं सेकंड स्ट्राइकर हुआ ओजोन में, बिहाइंड द स्ट्राइकर। फिर उधर से इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर उधर नंबर 9 खेला, नंबर 9 में नंबर 11 नंबर 7, बेसिकली मैं वो सारे पोजीशंस पे खेल रहा था। ओके मतलब आप फॉरवर्ड लाइन में तो आप कहीं भी आप हाँ खेलोगे, इवन सेकंड स्ट्राइकर हाँ रोल में भी आप खेलोगे। सेकंड स्ट्राइकर, बढ़िया, मिडफील्डर, विंगर, मतलब तो पूरी ग्रीजमान वाइब्स दे रहे हो आप एकदम यार स्टार्टिंग बहुत मिडफील्डर से बढ़िया। गया था ना भाई, तो हाँ वही है उसके अगर बाद एक, धीरे धीरे शिफ्ट। हाँ सो जैसे आपने कहा कि आप मिडफील्डर स्टार्ट किए थे एंड देन यू टर्न टू फॉरवर्ड, इसमें इस हाँ रोल चेंज में सबसे बड़ा हाथ किसका था? सबसे बड़ा हाथ था मेरे ओजोन के कोच, यूथ कोच थे वो, एलेक्स प्रवीण बोलते, उनका हाथ था। तो उनका और एक कोच थे, उनका नाम है सलीम सर। ये दो सर ने मेरे को बोला तू मिडफील्डर मत खेल, तू खेल स्ट्राइकर खेल। ये दो लोग ही मेरे को स्टेट टीम से लेके बेंगलोर आए थे, तो ये दो लोग ने मेरे को फिर स्ट्राइकर में प्रमोट किया, तो चल स्ट्राइकर खेल रहे। फिर मैंने गोल भी ऑसम, मारे शायद अंडर 15 आई थिंक, कुछ 12 मैचेस पे 23 गोल्स ओ या बॉय प्लेइंग एज अ मिडफील्डर। नो सेकंड स्ट्राइकर अच्छा ओ सेकंड स्ट्राइकर हो क्या भाई, बहुत है यार सेकंड स्ट्राइकर भी, अगर इतने 20 के प्लस गोल निकाले 12 मैचेस में तो एपिक 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 फीट यार पार्थिव भाई। तो मतलब हमेशा से गोल स्कोरिंग इंस्टेंट था आपके में हाँ जी हाँ जी भाई, भाई भाई। तो अच्छा मतलब पार्थिव भाई, हाँ अच्छा हाँ लगता गो है अहेड। गोल मारने के, गोल या मारने के अच्छा लगता है। डेफिनेटली तो भाई चलो एक हो गया फिर से, चलो ऐसा आता है। कौशिक भाई हमारे पूछ रहे कि पार्थिव से एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज हिज ड्रीम गोल, आपका ड्रीम गोल क्या है? ड्रीम गोल बोलता हूँ मैं आपको,
अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था शायद 15 बार के इंटरव्यू में, इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मैं मेरे को इंडिया का टॉप प्लेयर बनना है, वन ऑफ द टॉप प्लेयर, तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। अभी नेक्स्ट स्टेप्स होगा, अभी उसके बाद करते जाएंगे एक, और फिर नेशनल टीम में एक रेगुलर प्लेयर बनना है, सीनियर नेशनल टीम में, और तभी तो ये गोल पूरा हो पाएगा, वही है नहीं, गोल, इंडिया का टॉप प्लेयर परफेक्ट बनना। यार। ये इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना यहाँ पे, आई थिंक जितने लोग बैठे हैं, ये जो ये स्ट्रीम हमारी देख रहे हैं, मी इंक्लूडेड, हम सबका एक ड्रीम था, हम तो कर नहीं पाए, बट आप हमारे इस कलेक्टिव ड्रीम को अपने अंदर लेके चल रहे हो। हमारी सभी लोगों की बेस्ट विशेष विशेष हैं आपके लिए, एंड जो हम अंदर अपने अंदर जो वो फ्लेम जला रखते थे, हमारे अंदर जो ज्वाला थी वो आपके अंदर अब होगी, एंड हमारी सबकी ब्लेसिंग्स है आपको, एंड यू विल बी अ बिग बिग सक्सेस पार्थिव भाई। कुछ और इंटरेस्टिंग आपसे बातें करनी है, बट थोड़ा सा एक एक आपसे एक टिप्पणी लेनी है। जैसे कि एक एक स्ट्राइकर होता है, ठीक है, तो एक स्ट्राइकर के की एट्रीब्यूट्स आप क्या डिफाइन करोगे? जैसे कि लेट्स से कि हमारे इस चार्ट में काफ़ी सारे फुटबॉलर्स हैं जो भाई लोग ऑलरेडी खेलते हैं, तो आप अगर उनको एज अ स्ट्राइकर, एज अ सेकेंड स्ट्राइकर कोई टिप्स देना चाहोगे तो आप क्या टिप्स दोगे उनको? बेसिकली आप सेकंड स्ट्राइकर खेलते हो तो यू हैव टू फाइंड द स्पेसेस, फ्री स्पेसेस। इफ द स्ट्राइकर इज कमिंग एट यू तो यू गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मेक रन। डिड यू सो मच गोल अगेंस्ट श्रीलंका इन फेस कप? I guess I might have missed that. आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे? हिमांशु को बॉल मिला था शायद, हिमांशु ने ऐसा आउटर मारा तो मैं एक फ्री स्पेस देख रहा था, फिर उधर भागा मैं, गुरकिरत था, गुरकिरत अपने प्लेस पे था, तो मैं वो फ्री स्पेस पे रन किया, फिर एक स्ट्राइकर मतलब फ्री स्पेस पे रन किया, तो फिर मैं एक डिफेंडर के साथ 1v1 हो गया, तो फिर मैं अंदर कट करके शूट मारा तो गोल हो गया था। बेसिकली यू विल फाइंड, यू हैव टू फाइंड दो स्पेसेस एंड, और तो यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस राइट टाइम राइट प्लेस, बिल्कुल, और बहुत कीप द बहुत ही, थिंग्स हाँ, सिंपल सिंपल रखना सिंपल है। हाँ सिंपल रखना है यार, ये बहुत, बड़ी अच्छी टिप हाँ है। मतलब सिंपल रखना है आपको, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जाओगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर आप सिंपल रखोगे चीज़ तो मतलब दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कर रहे हो हाँ मतलब अच्छा इफेक्टिव इफेक्टिव रहोगे आप। एफेक्टिव है। हाँ जी बिल्कुल। बड़ा पार्थिव भाई, वन टिप या टू टिप्स या जितने भी टिप्स आप बाकी डेवलपिंग फुटबॉलर को जो दे सकते हो, लाइक काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो अभी यू नो एम कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम, या फिर इंडिया के लिए खेले, या फिर किसी क्लब के लिए खेले, तो अपने ट्रेनिंग रेजाइम से आप क्या चीज़ें बेसिक जो सजेस्ट करोगे यहाँ पे बच्चों को कि वो अपने अंदर इनकलकेट करें सो दैट दे कैन बी प्रोफेशनल प्लेयर्स इन द फ्यूचर? फर्स्टली यू हैव टू बी डिसिप्लिन, दिस इज मास्टर ऑफ द फील्ड एंड ऑन द पिच, यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू लिसन टू योर कोच, बेसिकली व्हाट ही डिमांड्स अ कोच, राइट? मतलब आप को एक कोच के अंदर खेल रहे हो, उनके हिसाब से आपको खेलना है। अगर आप अपने मन मर्जी करोगे तो आपको बिठा देंगे। अभी 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 यंग प्लेयर में फोकस करना है फर्स्ट टच, लाइक हाउ टू टर्न एंड हाउ टू मूव द बॉल बेसिकली, एंड लाइक आई सेड कीप द थिंग सिंपल, या भाई सिंपल रखना परफेक्ट है यार। बस। सो यार जितने हमारे यहाँ पे छोटे भाई भाई लोग हैं, बहन लोग हैं यहाँ पे जो भी फुटबॉलर्स बनना चाहते हैं, वो प्रोफेशनली या नॉन प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स है। मैं 28 का होके मैं भी यहाँ पे टिप्स ले रहा हूँ पार्थिव भाई से, सो मुझे भी ये टिप्स बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू पार्थिव यार, मैं भी आपसे तो मैं ट्राई बात करने ही वाला करते हूँ। रहता हूँ ना भाई। आपने मेरे स्किल्स देखे हाँ हैं। जी भाई, वो हेड वाला। यार एम्बैरस कर रहा हूँ अपने आप को मैं, आगे बढ़ते हैं यार। अरे भाई उसके लिए हिम्मत चाहिए भाई। पार्थिव भाई यहाँ पे भाई हमसे कौशिक भाई पूछ रहे हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हो बोथ लेग्स पे, एंड क्या आपका कोई एक वीक फुट है, या आप एक फुट डोमिनेंट हो, या आप दोनों फुट से कंफर्टेबल हो, या और आपकी डाइट क्या होती है डे में? ओके, बेसिकली मैं हूँ राइट फुटर, मेरा लेफ्ट उतना चलता नहीं है। चलता नहीं है मतलब चलता है मतलब ठीक ठाक चल जाता है, मतलब फिर अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो बहुत गंदा दिखता है भाई। लेफ्ट मतलब लेफ्ट चला लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं मतलब जितना राइट से अच्छा हूँ मतलब वो उतना कंफर्टेबल नहीं, मतलब। राइट। और और मेरे आपकी डाइट डाइट है, क्या होती डाइट है?
सुबह उठ के भाई मैं सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पीता हूँ विथ हनी, थोड़ा सा हनी, बाकी अरे सेम टू सेम मतलब यार, मैं भी यही करता हूँ। थोड़ा गाइस मैंने क्या सा बोला, देखो हम, मैं और पार्थिव भाई सेम टू सेम है यार, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा एज का ही डिफरेंस है, बाकी सब नहीं सेम है। भाई बादशाह का भी फैन है बता दो बस देख लिया, ठीक है पार्थिव भाई कंटिन्यू। भाई बिल्कुल फिर उसके बाद उठ के मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, फिर उसके बाद ओटमील होता है, ओटमील, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। फिर ओटमील होता है या फिर मतलब मिनी ब्रेकफास्ट जैसा हो गया, फिर आके फिर प्रैक्टिस निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद आके थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, प्रोटीन शेक हो गया, ये सब खा के फिर मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद शाम को मतलब आफ्टरनून में थोड़ा फ्रूट्स खा लिए, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, फिर जो सीजनल फ्रूट्स मिलेंगे वो सब खा लेता हूँ, बनाना ये सब खा लेता हूँ। फिर उसके बाद लंच, लंच में फिर नॉर्मल रोटी चावल, फिर इधर तो रोटी चावल ही चलता है, फिर घर पे पास्ता वास्ता तो चलता है नहीं। फिर अगर कैंप पे होता हूँ तो मतलब पास्ता हो गया, सूप हो गया, ये सब खा लेता हूँ मैं। सूप में खाता हूँ, सूप में पीता हूँ, सॉरी सूप में पीता हूँ बिफोर फूड मतलब। तो उसके बाद मैं अपना लंच चालू करता हूँ, पास्ता हो गया ये सब, फिर उसके बाद स्नैक हो गया, उसके बाद तो प्रैक्टिस चालू हो जाता है आफ्टरनून लंच के बाद, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आके स्नैक हो गया, स्नैक में नॉर्मल कुछ भी खा लो आप, मतलब कुछ भी नहीं, आपको चाय पीना पसंद है तो चाय पी लेता हूँ थोड़ा बहुत, फिर चाय के साथ थोड़ा वो बिस्किट वगैरह मैं खा लेता हूँ बिस्किट थोड़ा, अभी तो वगैरह। छोटा है, छोटे हैं अभी। फिर उसके बाद आ गया डिनर, डिनर में हो गया चिकन होता है, फिर कभी कभी फिश होता है, फिर मटन ये सब, फिर मैं ज़्यादातर मैं चावल खाता हूँ अभी, चावल, फिर ये लोग शायद आसामी से तो मैं बोलता हूँ मैं भात खाता हूँ थोड़ा हाँ देखो ज़्यादा ज़्यादा भात परफेक्ट। ही है। बेस्ट बेस्ट फूड क्या है आपके लिए पार्थिव भाई, सबसे भाई फेवरेट डिश क्या है बेस्ट आपकी? ऐसे चीट नहीं या फिर कुछ भी कुछ भी जो आप लाइक, आप खाना बहुत पसंद करते हो, बड़े मन से खाते हो आप। स्पैगेटी अरे यार ये देखो बहुत बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। अच्छा पार्थिव भाई, आप बता ही रहे थे हमें अपने मील के बारे में, आई थिंक साथ ही साथ आपने एक हिंट भी दे दिया थोड़ा सा कि आपका डे कैसा होता है, सो आई वुड जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन एक बार अपने डे के बारे में कि लाइक जब आप आईएसएल सीजन में खेल रहे होते हो तो आपका हाँ एक जी टिपिकल डे कैसा जाता है, एक मैच डे आप क्या करते हो राइट फ्रॉम द मोमेंट यू गेट अप टू द टाइम यू गेट बैक होम एंड स्लीप मैच डे पे? मैच दे के जब मैं उठ जाता हूँ फिर वही है नॉर्मल, उतने गर्म पानी का गिलास थोड़ा हनी, उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा मोबिलिटी हो गया, स्ट्रेचिंग वगैरह करके ब्रेकफास्ट के लिए निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद आके फिर टीम मीटिंग हो गया, टीम मीटिंग के बाद आप आ जाओ, फिर थोड़ा सो जाओ, फिर सो के उठ के लंच करो, या फिर लंच पहले करके फिर सो जाते थे। फिर उसके बाद सो के उठ के फिर थोड़ा मोबिलिटी वगैरह कर लिया अपना, तो थोड़ा एक्टिव रहना, माइंड थोड़ा फ्रेश रखना, थोड़ा गाना वाना सुन लिया, फिर उसके बाद मैच के लिए निकल गए, एक कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं मैच से पहले वैसे कॉफी सही है। कोई ऐसा सुपरस्टिशन है मैच से पहले आपका कि है आपको तो ये नहीं करना ही अभी करना है तक, यार? अच्छा अभी तक नहीं नहीं मिला अभी आपको? अच्छा तक तो मेरा नहीं, मतलब एक भूत था फट गया यार वो बहुत टाइम चलाया मैंने, सैफ का आई लीग से पहन के आ रहा था भाई तिल एटीके के गेम तक फट गया, फिर वो बूट पहनता था मैं मैच में। तो फिर फिर आप, हाँ उसके बाद मैच के लिए निकल गए, मैच से पहले थोड़ा बहुत बनाना एप्पल अप्पल खा लिए, फिर उधर भी थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके टेपिंग वेपिंग करके, कोई कोई मसाज लेता है वो मसाज ले लेता है, मैं तो लेता नहीं अभी तक तो ज़रूरत हुआ नहीं, फिर बाद में ज़रूरत हुआ तो लेंगे, तो मसाज, फिर उसके बाद वार्म अप के लिए निकल जाते हैं, वार्म अप, फिर मैच, मैच के बाद आके मैच के बाद आ जाते हैं, अगर क्या क्या गलतियाँ हुआ वो सब देख के नोट कर लेता हूँ मैं डायरी पे, क्या क्या मिस्टेक्स हुआ, मतलब वो मैं सिर्फ मैच डे के दिन ही नहीं करता, मतलब वो फिर मैं हर एक प्रैक्टिस सेशन में करता हूँ, मतलब क्या क्या हाँ गलतियाँ हुआ, फिर उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ अच्छा करता हूँ, फिर उसको और इम्प्रूव करना है,
तो ये सब जो मिस्टेक्स है वो तो इम्प्रूव करना है, जो मेरा प्लस पॉइंट है उसको और इम्प्रूव करना है, मतलब एब्सोल्युटली फिर ये सब मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैच देख के आ जाते बस पे, फिर उसके बाद नोट कर लेते हैं, फिर अगले दिन थोड़ा रिकवरी सेशन हो गया, आइस बाथ वगैरह ये सब ऐसे जाते हैं, परफेक्ट। आइस बाथ मसाज। सो भाई लोग जी लिया आपने भी यार एक फुटबॉलर की लाइफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पार्थिव भाई। मैं इमेजिन कर रहा था, आई वाज इमेजिनिंग यू नो गेटिंग अप स्ट्रेचिंग वो खाना खाना वो टीम बस में जाना एंड ग्रेट प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। वैसे भाई वो तो कर पार्थिव भाई लिया। हाँ वही मैं पूछने ही वाला था, लाइक यू मस्ट हैव गॉट दी प्लेजर ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ स्टार प्लेयर्स, बहुत ही बड़े बड़े धुरंधरों से आपने मुलाकात की है। सो हाउ वॉज योर मीटिंग एंड रिलेशनशिप विद दी गोट ऑफ इंडियन फुटबॉल अपने सुनील छेत्री सर? मैं अभी तो सच बताऊं, मैं मिला नहीं है, सच में भाई मिला नहीं अच्छा है, ठीक है हाँ मौका ही नहीं मिला अभी तक। ओके नहीं मौका मिलेगा डेफिनेटली, आप खेल रहे हो मौका मौका मिला मिलेगा था, मतलब जी अगेंस्ट पे खेल रहे थे, फिर मौका हाँ मिला नहीं बस मिलने का, फिर लास्ट मिनट पे हार गए थे मेरा वाला है, फिर ड्रेसिंग रूम में आके याद है भाई मैं तो थोड़ा मिलना था यार, ऐसे करके जो मेरा डेब्यू था वो नहीं उनके अगेंस्ट ही था, भाई बीएफसी के हाँ अगेंस्ट ही था डेब्यू आईएसएल में, फिर उसके तो बाद मतलब हाँ फिर उसके बाद वो भी मैच हार गए, फिर थोड़ा ड्रामा हुआ था ना वो मैच पे, थोड़ा रेफरी के साथ हाँ कुछ ऑफसाइड का ये हो गया था, हाँ ऑफसाइड इश्यूज तो हाँ तो उसके बाद तो मैं फिर रूम पे चला आया, फिर दो बार मौका मिला था, दोनों बार गोल गया था, बताओ भाई ड्रेसिंग रूम में आके याद आया मेरे को, अरे भाई शिट यार, मैं बोला अरे पिच पे सुनील छेत्री रह था। कैसा कैसा गया। एक्सपीरियंस था, मतलब जब आप पिच पे उतर रहे थे अपने डेब्यू के लिए एंड आपको पता चला, आपको ऑब्वियसली पता था कि सामने वाली टीम में सुनील छेत्री भाई है, एक तो हाउ ऑरा वर यू है भाई फीलिंग? साहब, एक मतलब होता है ना एक दी सुनील छेत्री, एक ऑरा होता है फिर उनका, जब भी वो आता है ना थोड़ा बहुत द फैंस एंड ऑल, आपको तो पता ही है कैसा होता है, तो उनके भाई अगेंस्ट में साहब अभी तक एक तो ड्रीम है उनके साथ खेलने के लिए, अभी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, आई बिल्कुल होप बिल्कुल होपफुली उनके होपफुली साथ बहुत बहुत मिलेगा। मिलेगा मिलेगा इंशाल्लाह। यार पार्थिव भाई काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। यहाँ पे एक बैड कैप्टन ने क्वेश्चन पूछा है कि पार्थिव भाई से पूछो कि क्या आप नॉर्थ ईस्ट की अंडर 15 टीम के बारे में कुछ बोलो। नॉर्थ ईस्ट के अंडर 15 शायद मैंने अभी उनसे मिला नहीं है, तो मैं लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था सीनियर, सीधा सीनियर टीम, फिर उसके बाद रिजर्व्स के साथ मैं थोड़ा मैचेस खेलने गया था वो डेवलपमेंट के लिए, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे उनके साथ, और अभी अभी अंडर 15 टीम भी है, मतलब अंडर 15 के टीम के साथ भी मतलब मैं मिल लूँगा, अभी अभी जा ही रहा हूँ थोड़े दिनों के बाद। बिल्कुल अच्छा पार्थिव भाई आपका काफ़ी सारे स्टेडियम्स में आपने ऑलरेडी इंडिया में खेला होगा, बेस्ट हाँ जी बेस्ट स्टेडियम कौन सा लगा आपको जहाँ पे यू प्लेड इन इंडिया? स्टेडियम एक तो है नॉर्थ ईस्ट का जो मैं बचपन से खेलना चाहता था, ठीक है तो वो हो गया, फिर दूसरा है कलिंगा स्टेडियम जिधर मैं रहा 3 साल, कलिंगा हाँ स्टेडियम 3 साल रहा मैं कलिंगा उधर, स्टेडियम तो वो मतलब थोड़ा है मेरे अंदर, कलिंगा स्टेडियम सैफ कप जीता मैं उधर, उधर से ही उधर में उधर ही था 3 साल, तो कलिंगा स्टेडियम, और एक है बीएफसी का स्टेडियम, तो उधर भी मैं जब ओजोन में था तो मैचेस देखने जाता था, मैं स्टैंड पे बैठ के देखता था इंडियन सॉल्ट लेक का क्या टीम खेल एक्सपीरियंस रहे। है? ओ भाई भाई साहब वो टॉप, वो भी एपिक ईस्ट है बंगाल के साथ हाँ अगेंस्ट खेला मैंने, मोहन बगान के साथ अगेंस्ट खेला, हाँ वो तो अलग ही है, क्योंकि ये दोनों टीम है, ये दोनों टीमें एब्सोल्युट सबसे पुरानी टीम है इंडिया के, और इनके अगेंस्ट खेलना, तो मेरे पापा शायद मोहन बगान के बहुत बड़े फैन हाँ है, तो उधर मैं खेला शायद मोहन बगान के साथ गोल नहीं मार पा, लेकिन इस नेटवर्क के साथ मारा, तो वो भी सॉल्ट लेक पे मारा मैंने गोल, काफ़ी क्या काफ़ी है इधर, क्योंकि उधर किस किसने नहीं खेला बात है, है मेसी ने भी खेला है भाई हाँ उधर अरे किस यार किसने मारा, क्या दोनों बात आए है, थे, मेसी आए खेल के गए, पहले भी आए इनफैक्ट, बड़े बड़े कौन फुटबॉलर्स कौन है, वहां पे खेल हाँ चुके हैं जहां पे आपने खेला है गोल लेजेंड्स, मारा हाँ है जी भाई हाँ जी साहब भाई साहब ड्रीम है यार स्टफ ऑफ ड्रीम है पार्थिव भाई। वैभव भाई हाँ हमारे काफी जी अच्छा कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं कि विद सुनील छेत्री रिटायरमेंट कमिंग
we will be needing more and more forwards in future. I hope you will be one of the top contenders to fill that position in the upcoming years. All the best for future, Parthip Bhai. So, a coffee so heartfelt. Thank you so much. Comment. Bye. Big up, yaar. Yahan pe kafi acha question hai. Messi is good. Bhai pooch rahe hain ki as a forward, how can you improve your offensive awareness? As a footballer, I will let you know that. आपको एक खुद आ रहा था इंस्टिंक्ट कि ठीक है अभी बॉल इस तरफ गया है, मतलब आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग पिच पे मिल जाता है कि ठीक है बॉल इधर आ रहा है, आपको थोड़ा इधर आके मूव करके मतलब रन बनाना है आपको, ठीक है फिर आपको ये सब कोचेस ही सिखा देंगे आपको फिर आपको। और एक बात है कि आपको आप अगर नंबर 9 खेल रहे हो तो आप अगर कोई भी शूट पा रहे ना आप फॉलो करो बॉल को, क्योंकि कभी भी कीपर के हाथ से बॉल निकल के आ सकता है तो वो भी गोल मिल सकता है। तो ये सब बातें आपको खुद दिमाग में बैठाना है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाओ आप क्या क्या कर सकते हो हर एक दिन, जैसे होमवर्क नहीं करते हम लोग वैसे ही सेम नोट्स बना सकते हैं हम लोग, हाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर वो जब चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिर आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। अभी मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपको मैं दिखा सकता हूँ मतलब ग्राउंड पे कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि मैं आप एक नोट बनाओ आप अपने अपने ऊपर हर एक दिन क्या क्या किया आपने, क्या क्या ट्रेनिंग किया वो सब भी लिख के रखो, क्योंकि यू नेवर नो आपको क्या हो सकता है फ्यूचर में, आप अगर कोच भी बन गए तो वो सब भी हेल्प करेगा आपको ट्रेनिंग सेशंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी ट्रेनिंग उधर मिलता है तो मैं आके इधर बच्चे लोगों को कराता हूँ। या क्या बात है, वो अलग ही मजा है ना बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना, थोड़ा सा सुबह खाना खाना सुबह खुद कर लिया शाम को निकल जाता हूं मेरा भाई। अच्छा जो मैं रील शेयर कर रहा हूं ना, हां रील जो स्टोरी पे शेयर करता हूं मैं बच्चे लोग का, वो सब अपने ही एकेडमी के मेरे पापा के साथ गए हैं। हां क्या बात है, बेहतरीन। मेरा क्वेश्चन ये था कि डेफिनेटली जो भी एक फुटबॉलर है, प्रोफेशनल फुटबॉलर है या नॉर्मल फैन है, वो किसी न किसी प्लेयर का फैन होता है और उसको देख के ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट हिज आइडल्स स्टाइल ऑफ प्ले इन देयर गेम। तो जैसे कि आप भी एक काइंड ऑफ सेकंड स्ट्राइकर हो, फॉरवर्ड लाइंस में आप खेलते हो, तो विच प्लेयर डू यू लुक अप टू, कि कौन आपके इंस्पिरेशन होते हैं जिनको आप? आपको तो पता ही है मैं यहाँ पे भाई लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है यार भाई मैं बहुत बड़ा मेसी फैन हूँ, आपको बता रहा हूँ मेसी फैन हूँ, फिर मेरे को और नेमार के भी प्लेइंग स्टाइल अच्छा लगता है, फिर मेरे को रोनाल्डो का भी अच्छा लगता है फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे को मैं मतलब सबके मैचेस देखता हूँ, फिर सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, मतलब क्योंकि हम जितने मैचेस देखोगे उतना कुछ सीखने को मिलता है। अभी हालैंड को देख लो, हालैंड कितने गोल मारता है वो देखो, मैंने जो बोला था जो कभी कभी कीपर के हाथ या कोच से लग के आ जाते हैं वो जाके ठक, मतलब आपको अवेयर रहना, मतलब आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस पे रहना है, तो आप मतलब सबसे सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। मैं तो हूँ फैन मेसी का भाई सबसे ज्यादा तो मतलब मेसी आपके इंस्पिरेशन रहे हैं एंड आप उन्हें बचपन से फॉलो करते आए हो, बहुत बढ़िया। काफी सारे यहाँ पे हमारे चैनल पे भी मेसी फैंस हैं, हम खुद एक बहुत ही बड़े मेसी फैन, ऑब्वियसली आपको भी पता है इस बारे तो में बता ही रहे हो अभी ट्रांसफर पे साथ। हां जी मैं आपको शायद अभी बोला था, आप अभी बोला था शायद स्टार्ट करने से पहले, क्या लगता है मेसी आएगा? हम लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, मैं काउंटडाउन कर रहा हूं, पार्थिव भाई पीछे से पूछ रहे क्या मेसी आएगा। तो उसी बारे में थोड़ा सा, व्हाट डू थिंक अबाउट लियो मेसी एंड क्या लगता है भाई मेसी, क्योंकि अब पीएसजी छोड़ रहे हैं, तो डू यू थिंक इट मेक सेंस फॉर हिम टू कम टू बार्सिलोना एंड ऑफ कोर्स मैन, क्या ये बेटर डील है बार्सा के लिए? हां जी भाई, क्योंकि अभी फाइनेंशियल भी उतना है नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं, अगर मेसी आएगा तो जर्सी सेल्स और स्टेडियम में भी लोग आने लगेंगे, हर एक मैचेस ब्रॉडकास्ट होगा, तो उनके लिए फायदा है और मेसी के लिए भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो उनका शायद उसका उनका वाइफ भी शायद उनको चाह रहा है कि बारसा वाले डील हो जाए, है कि नहीं? तो मेरे को हम तो चाहते आ जाए भाई, सही बात है, फिर देखेंगे अभी क्या होता है। ला लीगा का भी कुछ रूल्स है ना, फिर अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं गाइस, तो बिल्कुल सही पार्थिव भाई, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम लोग बस वेट ही कर सकते हैं, सो देखते हैं अभी। हर रोज देखता हूँ वो फेब्रियो को, हर रोज देख रहा हूँ कुछ आया
मैं तो परेशान हो गया ऑनेस्टली। हर 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 2 घंटों पे एक नई रिपोर्ट आती है। मैंने ऐसा कहा है भाई देखो, अब अपने से दिमाग खराब नहीं करेंगे हम, पेशेंटली वेट करते, जो होगा होगा यार, जो होना होगा होगा। हम परेशान हो के फालतू में अपना दिन खराब करेंगे, सो बेटर है, हाँ जी, हाँ जी फॉरगेट भाई, अबाउट दैट। वैसे देखते हो यहाँ पे, आगे हो। हाँ परफेक्ट, बाद में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे आंचल भाई पूछ रहे हैं कि भाई मैं 16 का हूँ, क्या मैं फुटबॉल स्टार्ट कर सकता हूँ? पार्थिव भाई, क्या आपको लगता है कि फुटबॉल भारत में स्टार्ट करने की ऐसी कोई एज है, या आपकी जैसे कि आप 18 के हो गए तो आप अपनी खेल सकते हो, या आप 16 के हो तो अपनी खेल सकते हो? डू यू थिंक ऐसा कुछ सिस्टम है, और एल्स प्लेयर्स भाई भाई, अब मैं एक कैन बात ट्राई? बताता हूँ कि दे कैन ट्राई, बट इफ यू स्टार्ट अर्ली यू कैन लर्न द बेसिक्स अर्ली, राइट? योर बेसिक्स विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। मतलब आप मतलब अभी 16 17 के होंगे, फिर आपको वो जो मतलब वो फुटबॉल सिखाएंगे जो 5 6 साल का बच्चे लोग सीखते हैं, ठीक है? मतलब हाउ टू पास, हाउ टू रिसीव द बॉल, मतलब ये सब सिखाएंगे। मतलब पुश पास एंड टैप, ये सब सिखाएंगे आपको। अगर आप 5 6 साल में स्टार्ट करोगे तो आपको वो मतलब वो सब चीज़ सिखाएंगे आपको, मतलब कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको बॉल मारना कैसे आएगा, ये सब तो आपको आ ही जाएंगे धीरे धीरे करके। अगर आपने क्या नाम है भाई, आंचल भाई, आप अगर आपने फुटबॉल अगर खेला है कहीं पे, स्कूल पे भी ये भी इधर भी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फुटबॉल तो आप मारना तो सीख जाओगे भाई कहीं पे भी आप, क्योंकि इधर गांव में खेलते रहते हैं ना कोई कोई लोग। अभी जैसे हो गए ऐसे टाइम पास के लिए आके खेल लेते हैं, मतलब मैच ये सब जो नहीं खेलते आते, मतलब फिटनेस के लिए खेलते हैं वो लोग, कभी आते हैं बेसिकली खेलने के लिए थोड़ा बहुत। तो अगर बिल्कुल जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने आपके लिए अच्छा। नहीं, परफेक्टली एक्सप्लेन यहाँ पे पार्थिव भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे सुतापा भाई और हमारे अभिनव भाई भी यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाउ टू बिकम फुटबॉलर एट प्रो लेवल गोगोई भाई, हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रायल्स एंड डू वी हैव टू ज्वाइन रेसिडेंशियल एकेडमी फॉर दैट? अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके पार्थिव भाई आप इनका आंसर कर सकते हैं। भाई मैं खुद एकेडमी पे रहा हूँ, हॉस्टल पे रहा हूँ, मैंने भी रोया है। बचपन पे निकल गया था मैं, 14 ईयर्स पे निकल गया था मैं। मैंने शायद मम्मी को कॉल किया था कि मेरे को वापस आना है, क्योंकि मेरे को कपड़ा धोना नहीं आता भाई। अगर आप उधर जाओगे तो आपको कैसे रहना है, कैसे आपको सर्वाइव करना है, आपको मतलब हर तरीके के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब नॉट ओनली इन फुटबॉल, आपको सब मिलेगा एक्सपीरियंस, ठीक है? ओवरऑल आपको लाइफ का अगर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ सब मिल जाएगा। मैं घर पे तब जब घर पे था तो मैं कपड़ा वपड़ा धोता ही नहीं था मैं खुद, फिर उधर जाके फिर खुद कपड़ा धोना पड़ा, फिर ये सब सीखने मिला। अगर आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू, मैंने शायद पहले ही बोल दिया था, यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू लिसन टू योर कोच एंड मॉम एंड डैड, और आप अपने आप पे भरोसा रखो कि आप कुछ कर सकते हो। और यस, यू हैव टू अप्लाई फॉर ट्रायल्स एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड फॉर रेसिडेंशियल अकेडमी, इट्स वेरी गुड, टॉप है भाई। फिर आपको उधर मतलब बेसिक्स के ये सब तो सीखने मिल जाएगा, बेसिक्स, मैथ्स टाइम, गेम डेज, ये सबसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल परफेक्टली सेट पार्थिव भाई। एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमारे यहाँ पे भाई लोगों का, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, कि इनके पेरेंट्स इनको अलाउ नहीं करते फुटबॉल खेलना। सो पार्थिव भाई, जस्ट एज अ सिंपल एक स्टोरी के तरीके से, हाउ इम्पोर्टेंट योर पेरेंट्स हैव बीन इन योर करियर, कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने प्ले किया, एंड एक मैसेज आपका छोटा सा टू ऑल दी पेरेंट्स दैट वुड बी वॉचिंग दिस स्ट्रीम, व्हाट वुड यू वॉन्ट टू से टू देम? पहले आपको एक अभी इंटरेस्टिंग बात बोलते, मेरे मामा एंड डैड दोनों टीचर हैं। और पापा ने हम दोनों को बचपन से स्पोर्ट्स पे लगाए थे, फुटबॉल पे लगाए थे बचपन से। उनको भी बहुत मतलब उनके दोस्तों ने क्वेश्चन किया था क्यों खिला रहा है, स्कोप नहीं है। तभी मतलब जब हमने चालू किया था तभी सिर्फ आई लीग था, ISL तो था नहीं तभी तो, और आसाम से प्लेयर भी उतना है थे नहीं तभी तभी। फिर पापा को भी बहुत क्वेश्चन किया था, पापा ने बोला हाँ जो होगा देखा जाएंगे, मैं खिलाऊंगा उनको, मेरे को पसंद है फुटबॉल और मैं उनको खिलाऊंगा। फिर मेरे पापा ने खुद मतलब कोचेस बुलाए और उनके जो
पापा के साथ जो लोग थे सपोर्ट में, तो वो लोग ने भी कोचेज बुलाए। मणिपुर से एक कोच आए थे जो अभी सुदेवा में कोच है, युथ टीम का, उत्तम सर बोल के, वो आए थे मणिपुर से। तभी हम लोग का मतलब, हम लोग आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, जब महेश नारे है ना, वो अपने इधर ही था पहले। हाँ ओ भाई, अच्छा वो आपके आपके तरफ के। जी, वो मणिपुर का है लेकिन वो पहले हम लोग के इधर था। जो सर आए थे ना उत्तम सर बोल के, वो उसको लेके आया था इधर। फिर वो स्टार्ट इधर ही किया, फिर वो गया शिलोंग गया, फिर इधर से शिलोंग गया मेरा भाई, फिर मेरा भाई भी शिलोंग गया था, उसके बाद केरला वर्सेस गया। तो बेसिकली मेरा पापा तो कोचेस लाते रहते थे बाहर से कि हम लोग के साथ और सबका डेवलपमेंट हो जाए। ट्रेन करें अच्छे से सबको। हाँ हाँ जी, तो उधर से भी बहुत कुछ सीखने मिला। तो मेरे पापा ऐसे नहीं है कि पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, तो पर और साथ में खेल जो ज़्यादा हमें, मेरा पाप मम्मी पापा मेरा पापा प्रोफेसर है कॉलेज में, फिर मेरे को उन्होंने फिर मैचेस दिखाया, फिर पहले क्लिप ला के देते थे फ़ोन पे, देख रोनाल्डो के क्लिप्स ला के देते थे। तभी तो था 2G का ज़माना था, 2G ये सब, तू सा फोन पे मैं देखता था रोनाल्डो और मेसी का क्लिप्स ला के दिखाते थे। फिर उसके बाद मैं घर पे ही खेलता था, फिर रोनाल्डो को देख देख स्टेप ओवर्स करने लग गए, फिर आपके शूट किया दरवाजा टूट जाता था, फिर मम्मी का मम्मी ढुलाई फिर ये सब की धुलाई मम्मी कांस्टेंट। पापा का। हाँ फिर मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत था, क्योंकि एक टाइम था जब उनसे मैं निकल के आना चाहता था, क्योंकि मेरे को नहीं जम रहा था कि कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। फिर मम्मी को मैंने फोन किया, मम्मी मेरे को घर आना है। फिर मम्मी बोला सब्र रख तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही मैं गया बाहर आने। मैं शायद सितंबर में बोल रहा था मम्मी को मेरे को घर आना है, मैं दिसंबर में एक टूर्नामेंट खेला, उधर से मैं सिलेक्ट हो गया था बाहर के। वाह मम्मी बढ़िया। बोला थोड़ा पेशेंस रख भाई, मतलब बेटा पेशेंस रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है सब होने के लिए। तो फिर मैं उधर से आया, अंडर 15 आई लीग खेला, फिर मैं इंडिया टीम के लिए ट्रायल्स देने गया था कोलकाता पे, जो बिबियानो सर का बैच था, रोहित दानो विक्रम विकास हाँ लोग का बैच था, तो उधर काशी ट्रायल्स के उम्मीद। लिए हाँ गया था। तो मैं उधर सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर तभी मैं भी उदास था क्योंकि मैंने शायद ठीक ठाक खेला होंगे, फिर नहीं आया वो कुछ पसंद। फिर उसके बाद मैं घर आया, फिर ओजोन के लिए बुलाया, ओजोन सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए बुलाया। अभी ओजोन सीनियर टीम के साथ ट्रेन कर रहा था मैं शायद 14-15 साल तभी था, तभी मैं सीनियर टीम के साथ ट्रेन कर रहा था। तो भाई उन्होंने वाह उधर से भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। फिर उधर से मेरे को शुभेंदु सर ने बुलाया उड़ीसा, उड़ीसा में शुभेंदु सर ने बुलाया, उड़ीसा में कैंप हुआ था तभी, तो मैं उधर गया। उसके बाद फर्स्ट हो गया, फिर इधर, फिर हाँ फिर मैं उधर सिलेक्ट हो गया था। तो फिर घर पे फ़ोन किया, हाँ मैं सिलेक्ट हो गया इस बार, तो मेरा पापा बहुत खुश हो गए थे, पापा मम्मी पापा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कॉन्स्टेंटली, यही मेरा गोल था कि नेशनल टीम में खेलना है, खेलना है, खेलना है, मेरा यही जीतना खेलना है, मेरे को वो खेलना है, गिव खेलना अप है, नहीं ट्राई। करना होता है आपको। हाँ फेलियर आपके पास होता है, आता है, तो आपको हाँ गिव अप जी, नहीं करना होता। और आपके, तो अच्छी बात है, वो पेरेंट्स काफी सपोर्ट पे थे। हाँ काफ़ी सपोर्ट पे थे। फिर उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हुआ, फिर यूएई टूर पे गया, काफ़ी अच्छा गया क्योंकि यूएई के साथ हमने ड्रॉ किया, 3-3 ड्रॉ किया, फिर सऊदी के साथ हार गया था 3-2। फिर उसके बाद जो यूएई के एकेडमीज थे उनको हमने दिया अच्छे से, 5 गोल 6 गोल अच्छे से, सब सच में भाई 5 गोल छः बढ़िया। गोल फिर लास्ट मैच 3-3 ड्रॉ हुआ। तो उधर से मतलब काफ़ी सपोर्ट करते आए, फिर कोरोना के टाइम आया तो अभी भी सपोर्ट तो है। अभी अभी भी मतलब अब मैच देखने आ गए थे पापा इस बंगाल के अगेंस्ट होम पे, खिलाया नहीं हमें दोनों भाई को दोनों भाई बैठे हैं ऐसे मैच पे। हाँ तो अभी भी आपको भी पापा के सामने खेलना बचा है? अभी एक बार तो वो नहीं होना खेल पड़ेगा लिया वैसे मैंने, ना मतलब बेंगलोर पे देखने खेल। आया था जब मैं अंडर 15 आई लीग अच्छा खेला था, तो उधर हाँ देखने मम्मी पापा देखने आए थे, तो हाँ उनके मतलब आ जाते थे मैच देखने के लिए कभी कभी बैंगलोर। फिर नेक्स्ट उन लेवल वो फीलिंग मैच पे होती होगी मेरा, यार। हाँ वो मैच पे हाँ कितने गोल मारे गेस करो आप। अंडर 15 कितने गोल मारे? हैट्रिक? 8 गोल अरे यार हाँ
अच्छा एट टू नहीं बोला नाइटमेयर भाई 82, वो मैं देख देख के फिर मैं क्या बात है यार भाई, प्राइड वाली फीलिंग आती है कि 8 गोल मारे हैं भाई पापा जी के सामने। चलो फिर मैं बोला चलो बूट डिलॉन आया गया सीधा मेसी का नया बूट लेके आया भाई साहब ये अच्छी स्टोरीज है यार, ये अच्छी स्टोरीज आप रिलेट कर सकते हो भाई लोग जो भी आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे वैभव भाई काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रोइंग अप एज अ प्लेयर व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन फुटबॉल इज लैकिंग करेंटली, क्या क्या लगता है आपको, क्या एक मिसिंग फैक्टर है वहाँ पे? हम इसी टॉपिक पे आने वाले थे बट वैभव भाई ने अच्छा अब क्वेश्चन पूछ लिया। लैकिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, अब देख लो, अब पहले से आप खुद फुटबॉल देख रहे हो, आप पहले से आप कंपेयर कर सकते हो फुटबॉल कितना भर चुका है। अब अभी आप सीनियर टीम की नहीं बात करूंगा मैं, आप अंडर 17 का देख लो, आप जो अभी विवियनो सर का मैच है देख लो, हाँ आप अभी वो लोग absolutely कितना सही अच्छा कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे कर रहे हैं अभी, मतलब किन 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 के साथ नहीं खेला वो लोग, किन किन के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, रियल मैड्रिड के साथ खेला, एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेला, उनके साथ अच्छे रिजल्ट किया है, क्योंकि अभी फुटबॉल ग्रो कर रहा है इंडिया में, और आईएसएल ने बहुत हेल्प किया है, आई लीग एज वेल, आई लीग तो पहले से ही है, अभी जब से आईएसएल आया है प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स को पहचान रहे लोग जो पहले था नहीं उतना पहचान रहे, उसके बाद और गेम टाइम मिल रहा है, ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है, फैसिलिटीज अच्छा हो गया है, फिर अभी नेशनल टीम में भी आपको टूर मिल जाता है अच्छा खासा, अभी बैक टू टूर्नामेंट आ रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप, फिर उसके बाद अंडर 23 का चालू हो जाएगा एशियन कप क्वालिफायर्स, अब देख लो आप कितना अच्छा हो रहा है, फिर उधर भी देख लो आप, देखेंगे आप क्योंकि अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, डे बाई डे फुटबॉल ग्रो कर रहा है, तो ये काफी तो अच्छी काफी बात है, लैकिंग इम्प्रूवमेंट। तो नहीं, हाँ जी तो लैकिंग तो नहीं बोलूंगा मैं। ओके नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया पार्थिव भाई। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे अरुणवा घोष पूछ रहे हैं कि एज अ यंग प्लेयर आपको एवरी मैच में शायद गेम टाइम नहीं मिलता होगा, तो उस मोमेंट पे आप खुद को मेंटली स्ट्रांग या मोटिवेटेड कैसे रखते हो? वेरी गुड क्वेश्चन यार। भाई पहली बार आपको खेल नहीं मिलेगा तो आपको ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, मेरे को लगता है पर्सनली, तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको कोच ने नहीं खिलाया, आप अगर कुछ एक्ट करोगे तो आप कुछ करना चाहोगे तो कोच को पसंद नहीं आएगा और आगे जाके आपको नहीं खिलाएंगे, अगर आपने कुछ हरकतें कर लिया तो। मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि मेरे मम्मी ने बोला था, थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ के लिए, पेशेंस रखो आप, मतलब पेशेंस रखो और ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करते जाओ, ट्रेनिंग में हर रोज़ आप 100% दो तो उनको, कोच को खुद लगेगा कि आप हाँ इसको ट्राई कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको मौका मिला तो जाने नहीं देना भाई, खेल ऐसे खेलो कि फिर आपको टीम से बाहर नहीं जाना, परफेक्ट, बहुत बढ़िया मैं बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन है। मतलब मैं बोलूँगा कि टाइम आएगा, टाइम के लिए रुको, जब टाइम आएगा फाड़ो। ये बात है, अपना मोमेंट लो, मोमेंट पिक करो और बस हाँ फाड़ दो, बस गोवे भाई की तरह। हाँ एक मैं कन्वर्सेशन में आगे बढ़ता हूँ पार्थिव भाई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ बस 5 मिनट है। एंड गाइस जो लोग चैट में, यार भाई लोग आप अपने क्वेश्चंस पार्थिव भाई के लिए कमेंट्स में डालो एंड आई विल ट्राई टू प्रेजेंट देम ओवर हियर, ताकि हम पार्थिव भाई से अच्छे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमें पूछना है, हमारे काफ़ी खास हमारे टीम मेंबर हैं शामिक भाई, उन्होंने ये क्वेश्चन से सारी चीज़ें स्क्रिप्ट आपके डिज़ाइन की थी। सबसे पहले एक या मोस्ट मेमोरेबल फुटबॉल मैच दैट यू हैव प्लेड इन, आपको एक मैच जो हमेशा याद आता है या याद रहेगा, कोई एक मैच आपने जो भी खेला है ऐसा? सबसे मेमोरेबल मैच मैं बताऊंगा रेड कार्ड वाला मैच भाई, जिस मैच में मेरे को रेड कार्ड मिला उसके वजह से मैं फाइनल नहीं खेल हाँ, पाया बताओ आप एक्सप्लेन करो क्या हुआ था उसमें, कैसे रेड कार्ड मिला आपको? भाई, मैं पहले एक, अरे यार अफसोस होता है क्योंकि यार भाई देखो हम लोग 1-0 जीत रहे थे और मैं एक येलो कार्ड पे था, तभी विकास विकास को शायद उसका सिर ऑलरेडी फटा हुआ था, स्टिच लगा हुआ था, वो खेल रहा था, तो फिर उसके इधर से ब्लड आने लगा, तो रेफरी ने बोला बाहर जाओ आप, ब्लड क्लीन करके आप आ जाओ मेरे से, तो हम लोग 1 मैन डाउन हो गए, मैं एक येलो कार्ड पे था, फिर
वेंगी कोच ने बोला कि वेंगी सर ने बोला कि तू फुल बैक पे आ जा, हाँ क्योंकि मैं विंगर खेल रहा था तो फुल बैक पे आ जा, और अमनदीप जो था वो सेंटर बैक पे आ जाएगा बेसिकली। तो थोड़ा चेंजेस किया, तो अब मैं फुल बैक खेले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता कि विकास आ गया अंदर, थ्रो इन हो गया। फिर हाँ उसके बाद मैं थ्रो लेने गया, क्योंकि फुल बैक खेल रहा था, मेरे को थ्रो लेना है, मैं गया थ्रो लेने। फिर अमनदीप मेरे को बोलता है कि गोगोई तू आगे जा, विकास आ चुका है, मैं थ्रो इन ले लूंगा। तो मैंने उसको बॉल ऐसे पास कर दिया, और रेफरी को लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आके येलो कार्ड दिखाया। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब मेरा हो गया डबल येलो, रेड कार्ड हो गया ना मेरा, रेफरी भूल गया कि ये ऑलरेडी एक येलो पे है। तो रेफरी अच्छा मैच कंटिन्यू करा रहा है 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद वो फोर्थ ऑफिशियल ने बोला कि ये ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे है, उसको रेड कार्ड दे। फिर बाहर जो मैचेस देख रहे थे उनको लगा कि मैंने कुछ भग दिया उनको। हाँ, फिर तो मेरे को येलो कार्ड दिया। फिर मैं, और एक बात है भाई, जो मैंने किया उसके बाद वो किसी को नहीं करना चाहिए। जो मैंने लाठी वाते मारा वो किसी को कोई मत करो भाई, ये बहुत, फिर आपको, आप गुस्से में रहते हो पता है, फिर आप जब कर दोगे तब लगेगा कि आपने कर दिया है हीट ऑफ द मोमेंट पे। फिर जब आप देखोगे वीडियो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, अखरेगा ये मत करो कभी। तो काफी काफी गुस्से में थे पार्टी में हमारे, ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है कि फालतू का येलो कार्ड रेफरी दे देता है, तो वहां पे आप जलाटान मोमेंट आ जाता है हमारा, एंड फिर हम किक विक करने लग जाते हैं चीजों को। तो पार्थिव मैं भाई ने ही बताया बोलूंगा कि कि ये सब मत मत करना। करो वैसे भाई। रेफरी की गलती थी यार पार्थिव भाई, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, रेफरी रेफरी को थोड़ा बेटर करना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई विल से, मेरे ओपिनियन में। आपकी गलती नहीं थी यार, हाँ, सो क्योंकि क्योंकि उनको देना ही था तो पहले दे देते यार, थोड़ा मतलब फिर भूल गए वो, मतलब ऐसे उनको लगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा था, नहीं। क्योंकि हमें और गोल मारना था यार अब भाई भाई। ये मेंटालिटी भाई, हमें तो और गोल मारना है, मैं क्यों टाइम वेस्ट क्योंकि करूं, मैं, ये हुई बात। हाँ क्योंकि मैंने गोल ही नहीं मारे थे वो मैच पे यार, मैं हाँ गोल मारना था। चलो, नहीं ये सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, सबसे मेमोरेबल गेम है यहाँ पे पार्थिव भाई के लिए। आप एक और क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे आपसे, आई थिंक आपने उसी का आंसर कर भी दिया, मैंने पूछने वाला था कि फनीएस्ट मोमेंट क्या था आपका ऑन द पिच, तो कोई और फनी मोमेंट था या इसके अलावा? ये तो फनी मोमेंट में नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए फनी था, बट कोई ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो पिच फनी, पे, जैसे कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया हो, किसी से गलती हो गई हो। अरे गलती भाई ऐसे बहुत होते हैं यार एरोस में। एरोस में हम लोग थे क्योंकि हमने एक ही एज के बंदे थे, आप किसी को भी गाली दो क्या दो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम एक 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 ही एज के थे ना, किसी को बुरा नहीं लगता था। तो वो बहुत बढ़िया मोमेंट था कि खेलने, और मैं, शिवाजीत था एक बंदा, शिवाजीत और मैं, शिवाजीत नहीं, ब्रिजेश गिरी को शायद बेंच, अभिजीत सर ने शायद उसको ओए शाहरुख खान ऐसे करके बुला दिया था। तो मैंने सुन लिया था, मैं हंस रहा था मैच के बीच में, मतलब शाहरुख खान, क्योंकि उसने बाल ऐसे, कोरोना का टाइम था, क्योंकि बाल और काटने के लिए बबल में थे हम लोग, बाल और काटने के लिए कोई नहीं था ना, तो उसने बाल बढ़ा लिए, फिर बाल ऐसे एकदम सेट करके सेट आया। कर लिया। हाँ, वार्म अप के टाइम में था शायद। फिर वो बोला ओए शाहरुख खान इधर आ, बोलते हैं, बोला शाहरुख खान किसको बोला। फिर वही, मतलब ज्यादा फनी तो होते नहीं है, क्योंकि एक मोमेंट बोल सकता हूँ, और एक मोमेंट, हमने आई लीग में शायद 9 मैन हम लोग 2 रेड कार्ड पे चले गए थे, फिर हमने वो मैच जीत लिया था 1-0 सुदेवा के वो साथ। ओ भाई, 9 मैन हाँ खेलने के साथ साथ आपने वो मैच हाँ जीता, ओ यार ये तो ये हाँ फनी नहीं है यार, ये बिग अचीवमेंट मोमेंट है। हाँ बढ़िया मोमेंट था, क्योंकि फर्स्ट रेड कार्ड हो गया था 29 मिनट पे हो गया था अमनदीप को, इसका और मेरा ही चलते रहता है भाई। हैंडबॉल हो गया था गोल पोस्ट के सामने, देना पड़ा रेफरी को रेड कार्ड, फिर पेनल्टी उड़ा दिया वो लोग के ऊपर, हाफ टाइम तक निकल गए वो 0-0 निकल गए हाफ टाइम तक। फिर उसके बाद 55 मिनट पे मैंने गोल मार दिया, उसके बाद एक और रेड कार्ड नहीं। राज को मिल गया, राज बासफोरे जो है ना, उसको मिल गया रेड कार्ड, उसने भी फर्स्ट हाफ पे येलो कार्ड दिया, सेकंड हाफ पे उड़ा दिया जाके एक को। मैं कह रहा भाई क्या कर रहा है तू भाई, ऐसे एक मैन डाउन है, फिर उसके बाद एक और, बताओ।
फिर उसके बाद भी हमें 15 मिनट निकालने थे 9 मैन। तो पूरा ऑल डिफेंसिव जोसे मोरिनो स्टाइल। हाँ सब आगे बढ़ा। फिर उसके बाद मेरे को सब किया। फिर उसके बाद एक को सब किया। फिर डिफेंडर डाल दिया सारे। चलो चलो अचीवमेंट भाई, ये तो बिग हाँ अचीवमेंट है। भाई। यहाँ पे कौशिक मेसी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम बस आपसे बस एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे टुवर्ड्स द एंड। आपके ऑल टाइम फेवरेट फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर कौन है? अगर आप ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड अगर आपको याद आते हैं नाम तो आप बता सकते हो, क्या लगता है? अभी अभी मेरा फेवरेट कीपर है एडरसन। एडरसन है नहीं अपना अर्जेंटाइन बस बहुत सही। और बाकी भाई। डिफेंडर्स उस डिफेंडर हो गया आपको सर्जी रमोस और पुयोल। पुयोल मेंटालिटी। फिर उसके बाद इधर आ गए विंग बैक पे आ गए एक डैनियल वेस। लेफ्ट बैक पे आ गए आप किसको? फिलिप लाम। नाम। और मिड में मिड में आपका बुस्केट्स। बेस्ट? बुस्केट्स अभी नहीं था ठीक है, और वो मेरे भी को ट्राई कोई टीम और नहीं हमारी। चाहिए भाई। कोई और नहीं चाहिए मेरे हाँ को। पार्टी में हमारे काफी बड़े बारसा फैंस हैं गाइस, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान फिर जाए अभी तो। अच्छा, और आपका बेस्ट हाँ फॉरवर्ड पूछना तो बनता नहीं है बट या बताइए। फिर मेसी को डालूंगा मैं। एक तरफ मेसी, एक तरफ क्रिस्टियानो। मैं मेसी को नंबर 9 खिलाऊंगा। नंबर 9 फॉल्स मेसी नाइन को में हाँ सिम खेल रहे हैं, बढ़िया। फॉल्स 9 खिलाऊंगा मेसी को। फिर एक तरफ आगे रोनाल्डिनो। ओ भाई, अरे यार, ये तो तुमने खतरनाक टीम बना दी पार्थ भाई। अरे यार नाइस। अच्छा, एक अनुराग भाई का क्वेश्चन है, करंट फेवरेट प्लेयर फ्रॉम बार्सा टीम कौन से आपके? रफीना। रफिनिया करंट फेवरेट प्लेयर आपके? आप वही सिमिलर पोजीशन पे खेलते हो यस उनके राइट साइड हाँ पे? जी हाँ ओ जी बढ़िया बढ़िया, वर्कलोड। हाँ बढ़िया। एक वैभव भाई का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाई पूछ रहे कि ये सीजन तो एंड हो गया, अगले साल की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या प्लान है अगले साल की? एक्सपेक्टेशन अभी सबसे बड़ा एम है ये लास्ट सीजन जो सीजन गया उससे तो बेटर करना ही है हमें। अभी हमें हमें फाइट करना है। इस बार हम लोग फाइट करेंगे टॉप 6 के लिए। ये सीधा सा एम है। टॉप 6 में आ गए हमें प्लेऑफ के लिए। फिर उसके बाद एम है अभी मेरे को शायद अंडर 23 में कॉल अप आएगा तो उधर भी जाके एशियन एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना है जो अंडर 23 अभी तक किया नहीं है। उधर भी उधर है मतलब ग्रुप इतना टफ भी नहीं है। मैंने देखा था ग्रुप चाइना है मालदीव्स है और यूएई है तो उधर हम लोग कर सकते हैं क्वालिफाई। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं। और अभी और एम है जब एशियन कप पे क्वालिफाई करने का। फिर उधर से मतलब हो जाएगा मतलब एडवांटेज रहेगा। अंडर 23 में खेलेंगे तो सीनियर टीम के लिए एडवांटेज रहेगा बिल्कुल क्योंकि ठीक है एब्सोल्युटली। हाँ ये लोग ये प्लेयर भी आ सकते हैं कि सीनियर टीम में खेल सकते हैं कैपेबल है तो एम वही नाइस, है अभी। परफेक्ट परफेक्ट। हिमांशु भाई का एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया में फेवरेट प्लेयर क्या है, या तो मैं इसको रिफ्रेस कर दूँ कि जैसे सुनील छेत्री तो हम सबके गोट है यार, तो सुनील छेत्री के अलावा कोई अदर प्लेयर जो कि आपको इंडियन नेशनल टीम से इंस्पायर करता है, तो हु डू यू लुक अप टू अपने नेशनल टीम से? हाँ अनिरुद्ध थापा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थापा। अनिरुद्ध थापा। फिर उसके बाद हो गए आकाश भाई। आकाश भाई के साथ मेरा बहुत बढ़िया बनता है बनता है मतलब इतने अच्छे भी नहीं मतलब जब हम लोग अगेंस्ट में खेल रहे हैं। वो सीनियर थे मेरा तब मैं जूनियर टीम में था अगेंस्ट में खेले रहते थे वो अच्छा बनता है। फिर बढ़िया आकाश है भाई काफी। आकाश मिश्रा। फिर उसके बाद हो गए अभी ये अनिरुद्ध थापा हो गए फिर आकाश मिश्रा हो गए फिर और क्या नाम है भूल भूल गए, कोई बात नहीं, हमारे तो पूरे गया टीम में लीडर्स लीडर्स भरे हैं यार। आई होप कि हाँ। ऐसे इन्हीं लीडर्स को देख के ना हमारे जो और यंग प्लेयर्स हैं, आप जैसे प्लेयर्स हैं, से इंस्पिरेशन लेते रहें। जी बिल्कुल। अनवर अली बहुत बढ़िया, पसंद सही है। है। तो पार्थिव भाई, तो आपके प्लान्स बेसिकली इस साल पहले तो टॉप 6 के लिए डेफिनेटली फाइट करने के रहेंगे, और हाँ अंडर 23 में एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए रहेंगे, तो
यहाँ पे कौशिक भाई का हमारे एक और लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यही हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि वो बेस्ट मोमेंट इन फुटबॉल जर्नी अब तक आपका क्या रहा है भाई? बेस्ट मोमेंट एक नोटिस के लिए साइन करना, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। फिर दूसरा है, मैं अपने कंट्री के लिए एक ट्रॉफी जीताऊंगा, कि क्योंकि मैंने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीता था। जितने टाइम भी खेल लिया कुछ नहीं जीता मैंने। सीदा अंडर ट्वेंटी सेफ चैंपियनशिप जीता हूँ, कोई नहीं जीता था। फिर वो एक मेरा बेस्ट बेस्ट मोमेंट है भाई। मैं यहाँ तक स्कूल टूर्नामेंट भी नहीं जीते यार मैं अरे भाई, सच बता रहा हूँ। नहीं आपने जीता सीधा, बड़ा हाथ मारा यार एकदम, सैफ चैंपियनशिप उठा ली बस, परफेक्ट यार, बहुत सही। तो यार पार्थिव भाई काफी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, काफी आप इतना टाइम दिया हमको यहाँ पे। एंड गाइस जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना, आई वुड जस्ट आस्क यू गाइस टू जस्ट वेट पेशेंटली फॉर योर टाइम, एंड यू नो आपका समय आएगा। डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जैसे पार्थिव भाई ने बताया उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेन करते रहिए, टेक द राइट स्टेप्स, कोचेस को सुनिए, अपने पेरेंट्स को सुनिए, बी हम्बल ऑब्वियसली एंड ट्राई टू वर्क एट योर वीकनेसेस यार। तो डेफिनेटली यार आपके आपके साथ आपके साथ अच्छा ज़रूर से होगा। सो बस ऐसे लगे रहें फुटबॉल खेलने के लिए, एंड जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं यार प्लीज़ अलाउ करें अपने बच्चों को फुटबॉल खेलना, बिकॉज हमारे साथ यहाँ पे सामने पार्थिव भाई बैठे हैं हु हैज़ मेड इट, एंड इनके पेरेंट्स काफ़ी बड़े सपोर्ट थे इनके लिए। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट हु इज़ वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम, नॉट जस्ट फुटबॉल, फॉर एनी अदर स्पोर्ट इफ देयर चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले दैट, तो भाई उनको नॉट ओनली इन स्पोर्ट, लाइक उनको अगर गाना गाना पसंद है तो उनको अलाउ करो गाना गाने के लिए, ठीक है? मतलब उनको अपना पैशन फॉलो करने दीजिए, अब देख लेंगे। मतलब वो लोग हैप्पी रहेगा, क्योंकि यार मतलब मैंने एक इंटरव्यू देखा था, सुनील छेत्री का ही देखा था मैंने, क्योंकि वो आपने भी देखा होगा इंटरव्यू, बहुत फेमस है कि नहीं? क्योंकि मतलब एडवाइस देने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब फिर आपका बेटा या बेटी क्या करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप मतलब उन्होंने बोला था कि आप अगर उसको एक्टिंग करना पसंद है, अगर आप उसको उनको उसको क्रिकेट खिलाओगे तो कैसे चलेगा, है ना? बिल्कुल वही है भाई, मतलब जैसे कि अभी मैं हूँ, आप हो, अभी 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 फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, अब बोलो बोलोगे कि जा तू जाके एक्टिंग कर ले या फिर स्विमिंग कर ले, तो कैसे करेंगे आप? सही बात है, नहीं एग्जैक्टली तो वही चीज़ है, जो जिस चीज़ में यू नो आपकी पकड़ है, जो चीज़ आपका पैशन है उसको ज़रूर से फॉलो करिए, एंड ज़रूर से काफ़ी अच्छा होगा आपके साथ, बस डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ काम करते रहो यार। चलो पार्थिव भाई बिग अप, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार जहाँ से पहले हम कहेंगे विस्कैल बारसा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्थिव भाई एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू से जाने से पहले, स्ट्रीम एंड करने से पहले? भाई मजा आया मेरे को बात करके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, माय प्लेजर। सो गाइस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा एंड जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, विल ट्राई टू डू एंड मेक सिमिलर काइंड्स ऑफ वीडियोस। हम पार्थिव भाई को फिर से जरूर से लाएंगे चैनल पे यहाँ पे टू टॉक मोर अबाउट फुटबॉल, एंड थैंक यू पार्थिव भाई एंड द चैट यार, मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए गुड नाइट एंड पीस आउट यार, थैंक यू भाई, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर।